Yes, we are going to study about electric field due to charged spherical shell. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल. ठीक है, अगर कोई शेल है, शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो भी अभी हम लोग फाइंड करेंगे. शेल यानी क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ होलोस्फीयर. ठीक है, शेल यानी होलोस्फीयर, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले. इमेजिन सपोज स्फेरिकल शेल होलोस्फीयर विच इज हैविंग सम पॉजिटिव चार्ज ऑन द सर्फेस, बाकी कहीं भी नहीं है. So positive charge is everywhere there on the surface. और इसका रेडियस है R. और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. ठीक है, वी वॉन्ट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फीयर. कौन सी जगह पे फाइंड करना है? So we want to find out electric field inside inside कितना होगा वो find करना. Inside यानी r is less than r, जो भी distance होगा वो r से यानी radius से कम होगा अगर inside हो तो. Number two, we want to find out on the sphere. और तीसरा है, वी वॉन्ट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर. आउटसाइड द स्फीयर में आर विल बी ग्रेटर देन आर, इस केस में होगा आर इज इक्वल टू आर. ठीक है, सो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, उसमें थर्ड एप्लीकेशन जो है उसके अंदर तीन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने होते हैं, एक इनसाइड, दूसरा आउटसाइड और तीसरा ऑन द स्फीयर. ठीक है, ये तीन इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करने. तो स्टार्ट करते सबसे पहले इनसाइड वाला केस. ओके, लेट्स सी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज्ड स्फीयर. सो कंसीडर दिस टू बी अ चार्ज्ड स्फीयर. ये चार्ज क्या हुआ, स्फीयर है. देयर इज यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज एवरीवेयर ऑन द स्फीयर. इसका रेडियस है कैपिटल आर. एंड लेट वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ये वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो फाइंड करना है. ओके, सो दैट दिस मच डिस्टेंस इज स्मॉल आर. ये वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. So we want to find out electric field inside spherical shell. अब देखो, हम लोगों ने जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया था, यू टेकन लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी. याद करो, अगर ये वायर था तो वायर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, वी हैव टेकन लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ. फिर वो प्लेन सरफेस था तो प्लेन सरफेस के लिए लिया था हम लोगों ने सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया. तो वैसे ही इधर देखो, दिस इज सरफेस. ठीक है, चार्ज इज एवरीवेयर देयर ऑन द सर्फेस, इट्स नॉट इनसाइड द स्फीयर, ऑन द स्फीयर है. देयरफॉर यहाँ पे हम लोग लेंगे सर्फेस चार्ज डेंसिटी. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्फेस चार्ज डेंसिटी से. We know that sigma का वैल्यू क्या होता है, sigma is equal to charge per unit area. तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज इज क्यू इन टू ए. अब याद रखना, ये वाला जो भी चार्ज है वो कहां पे, दिस चार्ज इज ऑन द सर्फेस. याद रखना, इट इज ऑन द सर्फेस, सर्फेस पे ही ये चार्ज है. ठीक है, और कहीं पे भी ये चार्ज नहीं है. अगर मैं गॉस लॉ लगा देता हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई होता है
इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, याद आ रहा है ये भी फॉर्मूला हम लोगों ने किया हुआ है, दिस इज गॉस लॉ। अब याद करो जब इसमें हम लोग कुछ फाइंड करते थे तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था ठीक है, वहां से हम लोग ऐसा गॉसियन सरफेस बनाते थे ना, वी हैव मेड अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लाइक दिस, यहाँ पे वो जो गॉसियन सरफेस था वो इसके अंदर से पास हो रहा था लाइक दिस। ओके, ये दो केस हम लोगों ने किए हुए। वैसे इस केस में मुझे ये वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड आई हैव टू मेक अ गॉसियन सरफेस, मैं चलो एक गॉसियन सरफेस बना देता हूँ, तो सेंटर से सब जगह से डिस्टेंस सेम है इसका, तो ये जो ब्लैक वाला बना हुआ है दिस इज गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। दिस इज अ गॉसियन सरफेस। अब बताओ गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज दिख रहा है, चार्ज एनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस, बताएगा कोई गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? बोलो व्हाट इज द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, जीरो। देखो ध्यान से, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है ही नहीं, जितना भी चार्ज है वो ऑन द सरफेस है, समझ में आ रहा है? सरफेस यानी स्फीयर का सरफेस, स्फीयर के सरफेस पे ही चार्ज है, गॉसियन सरफेस तो ये रहा, गॉसियन सरफेस के अंदर कुछ भी चार्ज नहीं है। ओके, अगर गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज ना हो तो सिग्मा क्यू का वैल्यू है जीरो, अगर सिग्मा क्यू का वैल्यू जीरो है तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए भी जीरो होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। सो इनसाइड अ स्फेरिकल शेल, ठीक है, स्फेरिकल शेल के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, याद रखना ठीक है, इज इक्वल टू जीरो इनसाइड स्फेरिकल शेल। छापो ये जल्दी से, पहले ये लिख लेना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, ये हेडिंग देना, उसके बाद इनसाइड आएगा ठीक है, तो पहले ये लिख लेना हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, उसके अंदर पहला पार्ट ये वाला इनसाइड द स्फेरिकल शेल जिसमें आर इज लेस देन आर, जल्दी से लिखो एंड देन रेज योर हैंड। अभी देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अ स्फेरिकल शेल, और लास्ट में देखेंगे ऑन द स्फीयर कितना होगा ठीक है। तो फिर से स्फेरिकल शेल ले लेते हैं, दिस इज अ स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल के ऊपर सरफेस पे ये वाला चार्ज रखा हुआ है, जिसका रेडियस है कैपिटल आर, इसका रेडियस है आर कैपिटल आर, एंड वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर, ये वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ठीक है, एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक अ गॉसियन सरफेस, तो चलो मैंने गॉसियन सरफेस बना दिया विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब देखो स्टार्ट तो यहीं से करना है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज का फॉर्मूला होगा सिग्मा इंटू ए, ये याद रखना, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इतना होने वाला है। अब देखो
यहाँ पे एक मैं छोटा सा एरिया इमेजिन करता हूँ, ठीक है? लेट अस इमेजिन अ स्मॉल एरिया एट दिस पॉइंट, स्फीयर का एरिया, ठीक है? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये डिरेक्शन में होगा, सॉरी एरिया वेक्टर ये डिरेक्शन में होगा. तो दिस इज द एरिया वेक्टर ऑफ अ स्फेरिकल शेल. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो तो यही डिरेक्शन में होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों हो एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है? इफ दे बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, देन अगर मैं गॉस लॉ लगा देता हूं, तो आई कैन राइट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो. देयरफॉर इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस जीरो इज इक्वल टू सिग्मा क्यू चार्ज इन साइड द गॉशियन सर्फेस. देखो ये जो ग्रीन कलर वाला सर्फेस दिख रहा है उसी को बोलेंगे गॉशियन सर्फेस. दिस इज द गॉशियन सर्फेस. गॉशियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? तो गॉशियन सरफेस के अंदर चार्ज इतना है, ठीक है? ये जो दिख रहा है ना, दिस इज द चार्ज इनसाइड द गॉशियन सरफेस, और वो कितना है? इट इज क्यू, और इट इज सिग्मा ए. जो भी लिखना हो लिख सकते हैं. अभी मैं क्यू लिख देता हूँ, बाद में फिर सिग्मा के टर्म्स में लिखेंगे. क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो. व्हाट इज क्यू? क्यू इज अ टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर. याद रखना क्यू क्या है यहाँ पे, इट इज अ टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर. ऐसा हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब जगह, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है तो सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होगा, इसलिए ई बाहर आ जाएगा. ई को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन डी ए कॉस जीरो वन होता है इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो. इंटीग्रेशन डी ए, इंटीग्रेशन डी ए यानी गॉशियन सरफेस का एरिया. बताओ गॉशियन सरफेस का एरिया कितना होगा? आर इज द रेडियस. एरिया कितना होगा? फोर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, फोर बाई स्मॉल आर स्क्वायर. यस स्मॉल आर स्क्वायर सही है. कृष्णा श्रेय दोनों का आंसर से करेक्ट है. फोर पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर नहीं होगा श्रेय. इट विल बी फोर पाई आर स्क्वायर. सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर स्फेरिकल है इसलिए फोर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर होगा. तो ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो. देयरफॉर ई इज इक्वल टू के बाय फोर पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन जीरो. वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज, याद करो वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, इट इज कॉल्ड के. याद आ रहा है ऐसा, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू के. अकॉर्डिंगली ऐसा होगा, इतना सा पोर्शन है ना जो येलो अभी मैं शेड कर रहा हूं, ये 4 पाई और एप्सिलॉन 0, ठीक है? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं के. इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर. E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला. वेक्टर फॉर्म में लिखे तो क्या आएगा? इन वेक्टर फॉर्म यू कैन राइट E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैरेट. और एक बात फिर से, Q का वैल्यू होता है सिग्मा इंटू ए, ठीक है? ये हमको पता है Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए. अब इसमें ध्यान देना, मैं Q की जगह लिख रहा हूं सिग्मा इंटू ए. Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए. अब ये वाला जो एरिया होगा ना वो कौन सा एरिया है? दिस इज द एरिया वेयर द चार्ज इज देयर. ध्यान देना, ये जहां पे चार्ज है वो वाला, बिकॉज ये चार्ज पर यूनिट एरिया है. तो चार्ज जिस एरिया पे है वो एरिया है यहाँ पे स्मॉल आर, जिसका रेडियस है वो वाला एरिया. तो व्हाइल राइटिंग Q
क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, इसमें ए का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल में, तो क्यू का वैल्यू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर ये वैल्यू इधर रख देते हैं, ध्यान से देखना, वी आर कीपिंग दिस वैल्यू हियर, ओके, क्यू का वैल्यू हम लोग ये वाले इक्वेशन में रखेंगे 4 पाई को रख के ही, बिकॉज पाई पाई कट करने में मजा आने वाला है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो, इसमें पाई पाई कट होगा, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। थोड़ी जगह नहीं है इधर, जगह बना देते हैं। इसके बाद इधर E इज इक्वल टू होगा सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। This also is a formula of electric field due to a spherical shell. इससे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, also write vector form में E is equal to, जो है वो equation वैसे ही लिखेंगे, vector E is equal to sigma r square by 4 epsilon 0 r square into बस एक r caret लगा देना, okay? लिख लो जल्दी से ये, then raise your hand. कुछ डाउट हो तो अभी बताओ। अनिल यू आर करेक्ट, यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे एरिया जो होगा इट इज नॉट जस्ट पाई आर स्क्वायर, इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा, रेट 4 हियर, तो 4 इधर भी आएगा जो यहाँ पे कट करने में मजा आएगा, तो ये वाला 4 जो नीचे है वो नहीं आएगा, ये 4 नहीं होगा, ओके। On a spherical shell. On the spherical shell के लिए क्या करना होता है, R is equal to R रखना है बस, बाकी कुछ करना नहीं है, इक्वेशन यही कॉपी पेस्ट करना है जो भी हम लोगों ने किया, E is equal to KQ by R square. We know that E is equal to KQ by R square. If R is equal to R, तो E का वैल्यू हो जाएगा KQ by capital R square. Vector form में लिखना हो तो ऐसा होगा, E is equal to vector E is equal to KQ by R square R caret. ऐसा भी हो सकता है, अगेन वी नो दैट ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है, इसमें आर इज इक्वल टू आर हो जाता है अगर, देयरफॉर ई का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो ओके, वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो आर कैरेट लगाना पड़ेगा, वेक्टर ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो इंटू आर कैरेट,
ठीक है, लिख लो ये भी, दिस वॉज अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्फेरिकल शेल जिसमें आर इज इक्वल टू आर होता है. ओके इसका ग्राफ देखो, हमको ये इक्वेशन मिला दैट इफ देयर इज अ स्फेरिकल शेल, एक स्फेरिकल शेल है, तो स्फेरिकल शेल के बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर दे देन इट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, ऑन द स्फेरिकल शेल इट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, इनसाइड इट इज जीरो, इनसाइड ई इज इक्वल टू जीरो होता है, सेंटर पे भी जीरो होता है, ऑन द सरफेस कितना होता है, ई इज इक्वल टू के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो दोनों एक ही बात होगी. और अगर बाहर फाइंड करते हैं तो E इज इक्वल टू कितना मिलता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, वेयर स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, याद रखना स्मॉल आर डिस्टेंस इज फ्रॉम द सेंटर, यहां से ये वाला डिस्टेंस है स्मॉल आर, ठीक है, और स्फीयर के लिए इतना सा डिस्टेंस है आर, ओके आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर. सो इफ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का अगर ग्राफ ड्रॉ करते तो ऐसा होगा, वाई एक्सिस पे मैं ले रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे ले रहा हूं रेडियस, जस्ट अ मिनट,